चलो चलो नॉर्मल, यस 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 नॉर्मल चलिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लिंपिंग है, चाल भी काफ़ी स्लो है, ठीक है। एक राउंड और ले लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। तो अभी कहाँ पे पेन हो रहा है? आगे नीज के ऊपर? हाँ, यहाँ पे नीज पे और यहाँ पे और ऊपर। अच्छा अच्छा, ठीक है। दूसरे पैर में? दूसरे पैर में फिलहाल पेन नहीं है। फिलहाल पेन नहीं है। कितने दिन से हो रहा है ये? ये हो रहा है पिछले एक महीने से। एक महीने से। और नाइट में दर्द होता है? नाइट में जब ज़्यादा बैठा रहो तभी यहाँ पीछे से दर्द होता है, वरना नहीं। नहीं, सोते समय, करवट बदलते समय? अभी नहीं, पर शुरुआत में हुआ था। शुरुआत में फिर हुआ था। एक्सरसाइज कर रहे थे आप? हाँ, एक्सरसाइज कर रहे। एक्सरसाइज से क्या क्या फ़ायदा हुआ? एक्सरसाइज में दर्द नहीं होता, दर्द मतलब जो लिंपिंग है वो भी बंद हो जाता है। वो भी बंद हो जाता है। पहले इससे भी ख़राब चाल थी? चल नहीं देते घर वाले, चल नहीं, ख़राब चाल थी पहले, बहुत ख़राब चल रहा है, बहुत ज़्यादा है। हाँ, अच्छा अच्छा, एक्सरसाइज से थोड़ा सुधार हो गया है? घर वाले चलने नहीं देते। हाँ, चेयर से उठने बैठने में भी दिक्कत है? उठने बैठने में उतना दिक्कत नहीं, मतलब है थोड़ा सा प्रेजेंट है, काफ़ी देर तक बैठा रहा तो चलो देखते हैं 7 डेज में क्या आता है। आ जाओ, बढ़िया है, अब तो स्पीड भी बढ़ गया, लिंपिंग भी नहीं है, बिल्कुल फ्री चल ले रहा है ना। एक राउंड और ले लो, आ जाओ। वेरी गुड। तो अभी कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या चीज़ों में सुधार देखा? लिंपिंग नहीं है, ठीक है, दर्द भी कम है, ठीक है। स्पीड? स्पीड तो बहुत बढ़िया, स्पीड बढ़ गया, बहुत बढ़िया। जब आया था तब तो बहुत धीरे चल रहा था, बहुत धीरे चल रहे थे, ठीक है। नाइट में पेन? नहीं, कोई पेन नहीं है। चेयर से उठने बैठने में कोई पेन नहीं? मैम ज़्यादा बैठता नहीं, ज़्यादा बैठता नहीं, ठीक है। मतलब जैसे आधा एक घंटा बैठ गए तो उठने में कुछ पता चल रहा नहीं, तो फिर हैप्पी है? हाँ भी। कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की? हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ डॉक्टर विजय प्रकाश फ्रॉम सौभाग्य आयुर्वेद शारदा नगर कानपुर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर एट सौभाग्य आयुर्वेदा, स्पेशलिस्ट इन एवियन एंड स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो फ्रेंड्स, एवियन की सीरीज़ में आज हमारे पास एक पेशेंट है जो कि महाराष्ट्र से आए थे, इनको भी एवियन की समस्या थी। सबसे पहले मिथिलेश जी, आपका नाम है तो मिथिलेश जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले इनको, इनसे जानेंगे कि इनको कब और कैसे एवियन के बारे में पता चला और फिर ये हमारे पास तक कैसे आए। तो मिथिलेश जी थोड़ा सा रोशनी डालिए, कैसे आपको पता चला एवियन? पहले मेरे पैर में, नी में पेन हो रहा था, घुटनों में पेन हो रहा था, फिर उसके बाद में मैंने दवाई ली और उससे कुछ थोड़ा सा आराम हुआ, लेकिन फिर उसके बाद में फिर से दर्द आ गया। फिर मैं डॉक्टर के तरफ गया तो उन्होंने कहा कि फिर दवाई ले लो। मैंने कहा दवाई लेने के बाद अगर नहीं ठीक हुआ तो उन्होंने कहा फिर MRI करेंगे। मैंने कहा कि आप MRI लिख दो, मैं करा लेता हूँ। तो मैंने एकदम MRI करा लिया, क्योंकि एक और डॉक्टर ने मुझे कहा था कि नहीं ठीक हुआ तो MRI करेंगे। तो फिर MRI में मुझे निकला था सेकेंड ग्रेड का जो आपका AVN है दोनों लेग्स में। तो फिर उसके बाद में हम लोगों ने, मेरे माताजी वगैरह ने सर्च वगैरह किया कि क्या कर सकते हैं। फिर मैंने वो सब चीज़ें की जो कर सकते हैं, और आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहा था घर पे भी, तो उनसे भी काफ़ी असर हुआ था। यही सब है। फिर उसके बाद माताजी को ही आपका पता चला। अच्छा। फिर हम वैसे करके यहाँ आए। अभी जैसे एक सेटिंग हो गया आपका,
तो तब से उसमें क्या क्या चेंजेस देखे अभी? काफ़ी चेंजेस है अभी, जैसे जब मैं आया था तब मुझे लिम्पिंग हो रहा था, मतलब लचक के चल रहा था, अभी लचक के चलना तो नहीं हो रहा है अभी, तो डायरेक्ट चल पा रहा हूँ ठीक से, और दर्द भी कम है और स्पीड भी अच्छी है। स्पीड भी अच्छी है ठीक है। अब नाइट वाइट वाला पेन भी? नाइट में पेन नहीं है, नहीं कोई पेन उतना हैज इन सच लगता है ओवरऑल, मेरे ख्याल से कोई पेन ही नहीं रहा अब। हाँ मतलब पेन बहुत कम रहा, अभी थोड़ा सा नीज में जो घुटनों में पेन होता है वो थोड़ा सा है हल्का सा। ठीक है हाँ। मैं सोच रहा हूँ एक और ब्लड कपिंग करा लूँ आज। हाँ सही हो जाएगा, सही रहेगा, बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो और भी जो एवियन के पेशेंट हैं खासतौर से यंगस्टर्स हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप अपना वजन का ख्याल रखें, और वजन काफ़ी मैटर करता है इसमें, और वाटर फास्टिंग और डाइट जो रॉ डाइट है वो फॉलो करें, उससे ही इस चीज़ पे हम जीत पा सकते हैं। एक्सरसाइज भी आपने देखी? एक्सरसाइज तो सर की एक्सरसाइज से बहुत रिलीफ मिलता है। मैं यहाँ पे आने के पहले भी जिस दिन भी मुझे ज़्यादा दिक्कत होती थी उस दिन मैं एक्सरसाइज अगर कर लूँ तो मेरा दिक्कत कम हो जाता था, वो एक चीज़ बहुत अच्छी है। हाँ कई सारे पेशेंट्स तो हमको केवल फ़ोन से बताते हैं सर हम एक्सरसाइज से ही काफ़ी ठीक हो गए, कई पेशेंट ऐसे हैं जो बाहर के हैं जैसे पाकिस्तान के हैं, कुछ मॉरिशस के हैं, नहीं आ सकते, इतना इजी नहीं है इतनी दूर से आना, बट एक्सरसाइज फॉलो करते हैं उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो मिथिलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सर। एंड आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन मिले, और एक्सरसाइज को एटलीस्ट फॉलो करना जरूरी स्टार्ट कर दीजिए, सो दैट कि घर पे ही काफ़ी हद तक आराम को मिल सके, या जो लोग नहीं आ सकते हैं या गरीब परिवार के हैं जिनको इतने दूर का बजट नहीं सूट कर रहा है वो एक्सरसाइज तो करना स्टार्ट कर ही दें, क्योंकि एवियन ने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो कैसा भी हो। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हर तरह के इंसान की हम मदद करें, जो आ सकता है तो अच्छी बात है, नहीं आ सकता है तो तब भी आप गाइडलाइन हमसे ले सकते हैं निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको सिर्फ एक बार संपर्क करना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर लीजिएगा, आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो हम आपको शेयर कर देंगे, इससे आप काफ़ी हद तक करके ठीक हो सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन बाय बाय।